हेलो दोस्तों, आज हमने एक पुराने बाथरूम का रिनोवेशन किया है और इस रिनोवेशन में हमने CPVC पाइप्स का इस्तेमाल किया है। और ये बॉडी शावर आपको दिख रहा होगा, ये बॉडी शावर RTs के थर्मोस्टेट के साथ है। और ये ड्यूज मिक्सर है जैकवार का, ये गीजर का पॉइंट है, इनलेट और आउटलेट। और ये वॉल हैंग शीट के लिए प्रोविज़न करा है हमने और ये कल फिटिंग होगी। और आपको हम बता दें कि ये 4 इंच दीवार एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद इसका पॉइंट बनाएंगे। और ये हमने थर्मोस्टेट की फिटिंग की हुई है और हम आपको इसके अपने बारे में बताना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये मैंने जो फ़र्श का लेवल रखा हुआ है, फ़र्श के लिए फाइनल फ्लोर से इसकी जो मैंने हाइट रखी है वो पहले शावर की 35 इंच रखी हुई है। और ये दोनों शावर आपको जो दिख रहे हैं 35-35 इंच पे हैं। उसके बाद दूसरे शावर की जो हाइट है 51 इंच है और ये आपस में चारों ने 16-16 इंच का हमने गैप रखा हुआ है। और बॉडी जेट का जो हमने फर्स्ट नोब रखा हुआ है, जो नोब आपको दिख रहा है, ये 41 इंच पे रखा हुआ है। और ये आपको जो ओवरहेड शावर का पॉइंट दिख रहा है, ये डबल रेन शावर है और एक कैस्केड शावर है, डबल वाटरफॉल है। और ये जैकवार का है और इसमें एक रेन शावर आएगा, एक कैस्केड शावर आएगा झरने की तरह। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपको ये टू वे मिक्सचर दिख रहा है, ये हमने एक फ्रेश वाटर की लाइन मिलाई हुई है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से गीजर का पानी मिलाया हुआ है ड्यूज मिक्सर। जब सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत हो तो गर्म की तरफ करें, नहीं तो गर्मियों में टैंक फ्रेश वाटर से नहाएं। और सर ये तो हमने जब यहाँ इकट्ठा करा, इकट्ठा करके हमने होट पे डाला। और ये ध्यान रखना है कि होट वाटर का जो सप्लाई है वो होट वाटर की तरफ ही डालें, अगर आपने गलत डाल दिया तो ये काम नहीं करेगा, तब पानी मिक्स नहीं होगा, इसमें NRV लगा होता है इसलिए। और ये टैंक का हमने डायरेक्ट टैंक की तरफ से डाला है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। और हमारे क्लाइंट ने हमें 3 पानी मांगे थे बॉडी शावर में अपने थर्मोस्टेट के अंदर, और थर्मोस्टेट सिर्फ 2 पानी का होता है इसलिए हमें ड्यूस मिक्सर लगाना पड़ा। तो ये 3 पानी का बन गया, टैंक का डायरेक्ट पानी का कनेक्शन चला गया टैंक की तरफ और ड्यूस मिक्सर से फ्रेश वाटर और गीजर मिक्स करके सप्लाई आगे दे दी है। आप जब राइट साइड करोगे तो फ्रेश वाटर आएगा, लेफ्ट साइड करोगे तो गीजर का पानी आएगा, और अगर आप इसको बीच में उठाओगे तो दोनों मिक्स होकर आगे जाएगा। ठीक है, और ये हमने गीजर में हमने वॉश बेसन में 2 पानी लिया है और ये वॉल माउंट जैकवार का है और इसमें एक टैंक का वाटर है, एक गीजर है। और ये देख सकते हैं आप, ये हमने जो इस थर्मोस्टेट में पॉइंट डाला है, एक टैंक वाटर और एक होट और फ्रेश वाटर का कनेक्शन ले दिया। तो आउटलेट जो इसके इनलेट होते हैं वो 2 ही होते हैं, पर हमने 3 बनाया टू वे के साथ। उसके बाद हमने नंबर 1 पे हमने स्पाउट दिया है और नंबर 2 पे हमने बॉडी शावर दिया है, नंबर 3 पे हमने रेन शावर दिया है, नंबर 4 पे कैस्केड शावर का पॉइंट दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, ताकि आप कभी काम करें तो आपके ये काम आ सके। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।